गाजियाबाद में ऑटो से अवैध वसूली को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता उपजिलाधिकारी लोनी के पास पहुंचे। उन्होंने लोनी में ऑटो वालों से अवैध वसूली की शिकायत की। लोनी में ऑटो वालों से हो रही अवैध वसूली को लेकर बजरंग दल आगे आया है और ऑटो वालों का समर्थन कर रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता लोनी के उपजिलाधिकारी से मिले और लोनी में ऑटो वालों से हो रही अवैध वसूली के बारे में अवगत कराया, जिसके बाद उपजिलाधिकारी ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच के बाद कार्यवाही के आदेश दिए हैं। आज हमने माननीय उपजिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जो कि मंडोला से और लोनी बॉर्डर और पुस्ता चौकी से खजूरी और लोनी तिराहे से मोहन नगर, ये जितने भी ऑटो चलते हैं इनमें अधिकांश संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके पास लाइसेंस नहीं होता और उनकी गाड़ी के ऑटो के पेपर नहीं है पूर्ण तरह से, और जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष से कम होती है, जिनमें 70% लोग आपको ऐसे पाए जाएंगे। और इसमें मैंने माननीय उपजिलाधिकारी महोदय को ये भी बताया कि इनके द्वारा स्कूल के टाइम पर जो छात्राएँ हमारी बहनें जो स्कूल के टाइम पर जाती हैं उनके साथ बदतमीजी होती है, अपने ऑटो में वो गाने बहुत अभद्र तरीके के गाने चलाते हैं और अपने साथ दो तीन मुस्टंडे आगे बैठा लेते हैं। इसमें जांच के लिए हमने TI लोनी को आदेश कर दिया है कि ऐसे सभी टेम्पुओं की विस्तृत जांच करें, ऐसे जो भी टेम्पो अवैध रूप से चल रहे हैं उन्हें बंद करें, और इसमें टेम्पो एसोसिएशन को भी एक एजेंडा जारी करने के लिए आदेश किया है कि ऐसा कोई भी टेम्पो अगर सड़क पर पाया जाएगा तो निश्चित रूप से सीज किया जाएगा। एक एडवाइजरी भी जारी करा रहे हैं जिसमें इन शर्तों के साथ ही वो टेम्पो चलाएंगे, ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, अपनी पहचान भी उसमें SP ट्रैफिक के स्तर से भी एक निर्देश दिए गए हैं कि अपनी पहचान भी उसमें अंकित करेंगे, जहां आदमी बैठता है उसके सामने ही वो अपना पूरा टेम्पो का नंबर, चालक का नाम और पूरा ब्यौरा दर्ज करेंगे।